अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग विद मिसेस अफरीदी। ये आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं कुछ गमले लाई हूँ नर्सरी से, और मैंने उसमें बताया था कि मैं जो उसके साथ सेटिंग करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पेंट वाले गमले थे जो पेंट किए हुए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपने लाउंज में रखने हैं और मेरी लाउंज की थीम से मैच कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ ताकि माई चैनल इज़ अबाउट होम मेकिंग, तो आपको उसका आइडिया हो जाए कि मैंने उसको अपने लाउंज में किस तरह सेट किया। और दूसरे साइड पे मैंने इस तरह इसको सजाया। ये वाला मेरा दूसरा पॉट है, और इसमें जो आप स्टोन्स देख रहे हैं ये मैंने ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए लगा दिया ताकि लाउंज में बैठ के आपको मिट्टी नज़र ना आए। ठीक है जी, ये मेरा ये दूसरा साइड है, आप इसका इंटीरियर देख लें और इस तरह करके गमले आप अपने लाउंज में भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही ये वो गमला है जिसको मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, और हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि मुझे एक आइडिया है इस गमले के लिए। और ये गमला आप देखें, इतना इसका पावर है कुदरत का कि आप देखें, ये इसने इतने मोटे गमले को स्प्लिट कर दिया है अंदर के इसके कॉडेक्स ने। तो होपफुली ये है कि इसका कॉडेक्स बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हर थोड़े दिनों के बाद इसका क्रैक और फैलता जा रहा है। तो ये मेरे लिए भी बिल्कुल सीक्रेट है कि अंदर से ये क्या है, किस तरह का निकलेगा। ठीक है, आप ये देखिए कितना बड़ा इसका क्रैक हो गया है, आप देखें दोनों साइड से, ये देखें यहाँ से भी। बिस्मिल्लाह, अब देखें इसकी ब्यूटी रिवील होने वाली है कि अंदर से इसकी ब्यूटी क्या है। ओहो हो, अच्छा खासा पुराना लग रहा है, बड़ा। ये इसको भी संभाल के रखना है, ये भी इसमें भी मुझे कुछ बनाना है। ठीक है, हाँ, ये अब देखिए ये इतना बड़ा गमला है हाफ, तो इसको इंशाल्लाह मैं इसमें भी कोई प्रोजेक्ट करूँगी। तो बस ठीक है, आप जाओ, ये इसको फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे इसमें क्या करना है इंशाल्लाह। बहुत खैर कि किसी भी चीज़ को बेकार मत समझे, बस एक क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को किस तरह यूटिलाइज़ करना है। तो ये जितनी भी थी जड़े वड़े सब अलग करो इसको, ये ऊपर जो जाल है ना इसका रूट्स का जी, जड़ों का, ये तो ये वाला, हाँ, और नीचे से भी ये सारे, ये जो है ना ये सारे खाली करो ताकि कम हो तो हम इसको धोने में आसानी हो। अब ये इसको भी निकालो, हाँ, ये जो ये नहीं, ये मूली की तरह जो है इसको भी निकाल दो, ये हाँ यहाँ से, हाँ हाँ काट दो, हाँ काट दो ऐसे, ये नीचे का जो झाड़ झंकार है वो निकाल दो, मोटी जड़ नहीं काटना, नीचे से देखना इसका पेंदा कैसा है, मुझे भी देखना ही है। अच्छा देखो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा इसको इस तरफ करो बेटा, थोड़ा इधर, हाँ आप इसको काट दो, इसको काट दो, ये काट दो, ठीक है, ये ऐसे ना ऐसे, हाँ पेंदे की तरह बनाओ ताकि ये टिक जाए नीचे, हाँ हाँ काट दो ऐसे, ठीक है। बल्कि इसको भी, ये जो है ना इसको भी काट दो, हाँ से आप इधर ऐसे करके, हाँ ठीक है, अभी ऐसे गोला बन गया, कुछ हम करेंगे ताकि ये टिक जाए, और इस तरफ करो। अब ये वाली जो है ना पतली पतली, ये ऊपर से जो जाल जाल है ना उसको, हाँ ये देखो ये वाला है ना, ये वाला पार्ट हमको चाहिए है ना, ये वाला जो है ना गोल ऐसा पेंदा, ये हमको चाहिए। इसको अगर हम काट दें, एक मिनट ये काट दो, ये वाले, और इसको काट दो, ये वाला, हाँ बस अब ऊपर से ना ये, हाँ ये इसकी खूबसूरती है, ज़्यादा आगे नहीं जाना, बस
फेर ना तो फेर थोड़ा जी आया एक मिनट ठीक है जी। हाँ करो 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 इसको अभी ऐसे करते हैं। हाँ ये जो गंदी गंदी है ना ये वाली पतली पुरानी पुरानी, हाँ बस ये क्या कहते हैं नूर मोहम्मद ये नहीं करना बस दफ़े ना ये थोड़े बड़े होकर ना ये एक इसका डिज़ाइन बन जाएगा ये वाली जो है इसको रहने दो। ये जो पतली पतली है ना ये इसको आप निकालो ये इसको बेटा उस तरफ टर्न करो। हाँ क्योंकि इस तरफ हाँ ये वाली बेटा और थोड़ा उस तरफ करो ताकि ये थोड़ा सा हाँ ऐसे शाबाश ये काट नहीं मत। हाँ काट दो हाँ हमने अभी पहले स्टेज की तो काट छांट हमने कर दी है इसको और माशाल्लाह ये देखिए कितना बड़ा इसका कॉर्ड है खूबसूरत शक्ल कैसी निकली है माशाल्लाह। चलो इसको पानी गिरा के ना फिर दोबारा दूसरे पानी में करते हैं। हाँ नीचे नीचे वाली शे नीचे वाला थोड़ा सा और लेकिन ये अंदर ये ऊपर ने कहा निकाल दो निकाल दो कहाँ से देख हाँ ये तो निकाल दो। हाँ ये ऐसे निकाल ऐसे कर दो हाँ सही है कट नहीं आ जाए। और क्या है बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे इसको फिरा के रखो बाजी नीचे से काटने पड़ेंगे नीचे से देखो ये होगा तो अंदर टिकेगा ना ये होगा तो अंदर टिकेगा ना ये थोड़ा अंदर जाएगा तो हमको ये चीज़ नज़र आएगी ना तो थोड़ा इस तरफ करो बेटा इधर करो इसको काट दें इसको काट देते हैं अच्छा बाश इसको भी करो। हाँ इसमें हमने थोड़ी सी गार्डन सॉइल है थोड़ा खाद है और एडिनियम्स होते हैं इनको ड्रेनेज बहुत अच्छा चाहिए होता है तो हम उसको थोड़ा सा मिट्टी को भुरभुरा रखने के लिए थोड़ा अपनी रेती भी इसमें डालेंगे ना। हाँ इसमें ये रेती मिला दो अच्छा इसमें हमने गार्डन सॉइल और खाद और थोड़ी सी रेती भी मैंने डाली है ताकि इसका जो ड्रेनेज है वो अच्छा सा हो जाए भुरभुरा हो जाए। इस प्याले में हमने थोड़ा सा खाद मिट्टी डाल के और अभी इसको फिक्स किया है यहाँ पर स्ट्रेट पकड़ के और चारों तरफ से मिट्टी को दबा दबा के डालेंगे। और दूसरा अगर आप लोग इस तरह किसी अपने एडीनियम के बॉन्साई इस तरह बनाना चाहें और होता इस तरह है कि ये बहुत टाइम से ये पौधा अंदर दबा हुआ होता है मिट्टी में फिक्स्ड होता है और हम जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं और उसके कॉडेक्स को एक्सपोज करते हैं तो ज़ाहिर है उसको सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि पहले तो आप कोशिश करें कि उसको अच्छे से टिका के और खाद मिट्टी दबा दबा के डालें ताकि वो अपना वज़न पकड़ सके। लेकिन इनकेस अगर ऐसा नहीं होता और फिर भी आपका जो प्लांट है वो नीचे डगमगा रहा है तो आप रस्सी से उसको फिक्स कर सकते हैं। उससे ये होगा कि एक आध हफ्ते के बाद जो पौधा है उसका पेंदा टिक जाएगा और वो अपने आप को जड़ पकड़ लेगा और अपने आप को फिक्स। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं एक नर्सरी का टूर कर रही हूँ और मैंने उसमें एक स्टैंड वाला प्याला मैं ढूंढ रही हूँ और मैं पेबल्स भी ढूंढ रही हूँ। और इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं पेबल्स का मैंने किस तरह यूज़ किया है और किस तरह आप भी यूज़ करके इस तरह अपने गार्डन को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है लेकिन इसको ऊपर से थोड़ा छांटी करना पड़ेगा बहुत बड़ा है छांटना हाँ इधर से छांटना ठीक है ना ऊपर से ना एक एक फिट हाँ यहाँ से कर दो हाँ हाँ बिल्कुल कर दो बेफिक्र कर दो कर दो हाँ कर एजीनियम की प्रूनिंग के बाद जो ब्रांचेस निकले आप उनको दोबारा से लगा सकते हैं उनकी कलमें बहुत आसानी से दोबारा से वो नए पौधे बन जाते हैं लेकिन अब वो अपने सीड्स भी प्रोड्यूस करेंगे फ्लावर्स भी देंगे वो पौधे लेकिन वो वाले प्लांट्स जो हैं जो सिर्फ ब्रांचेस से लगाए जाते हैं वो आपका कॉडेक्स नहीं बनाते। कॉडेक्स हमेशा जो सीड से ग्रो किए हुए जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनमें बनता है।
तो अगर आपको सिर्फ प्लांट्स चाहिए तो आप उनको ब्रांचेस को ज़ाया ना करें, आप उनको दोबारा से लगा दें। और लेकिन अगर आपको कॉडेक्स वाले प्लांट्स चाहिए तो आपको सीड से ग्रो करने पड़ेंगे। अगर हम रस्सी निकाल दें टिक जाएगा? निकाल दो रस्सी। नहीं आज मैंने कहा आज दावत है ना तो ये सामने तो आप जटा देते निकाल दो हाँ। अल्लाह के आसरे पे चलो हाँ इसको हाँ कोने में पड़ा हुआ है ना चलो हम निकाल देते हैं। वैसे ये आप लगा देंगे हाँ चलो ठीक है क्योंकि आज मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं और ये सामने सामने ये रस्सियाँ नजर आ रही थी जी नो इन द इवनिंग सम गेस्ट्स आर कमिंग डोंट यू नो। अच्छा और नूरमान इसको ना इधर से ये भी थोड़ा काट दो, ये भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ये वाला हाँ ये ना ज़रा उसके थोड़ा हाँ हाँ काट दो काट दो इसके साथ वाला भी उसमें फूल आ रहे हैं मुझे पता है लेकिन बुरा लग रहा है हाँ ये रहने दें फूल बाजी ये कदर है चलो हाँ सही है कोई ये ऊपर ऊपर वाली ये देखें ये हो गया ना हमारा ज़बरदस्त खूबसूरत काम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था उस जब भी मैं गमले को दिखाती थी अपनी वीडियोस पे तो मैं कहती थी मुझे एक प्रोजेक्ट है जो मुझे फ़ाइनल करना है। देखिए ये है हमारा हमारे प्रोजेक्ट का फाइनल शिकर। तो आपके पास भी अगर एडीनियम्स के ऐसे पुराने गमले हैं जो आपके मिट्टी में लगे हुए हैं या फिर आपके पौधे में किसी गमले में लगे हैं तो आप उसको निकाल के उसकी ब्यूटी को रिवील करें और इसको इस तरह एक बॉन्ज़ाई की शक्ल में दे सकें। होप के आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी स्पेशली बिगिनर्स के लिए। और ये आप पेबल्स देख रहे हैं मुझे एक साइड के भी इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने और मंगवा के दो बैग्स और मंगवाए और मैंने यहाँ पर भी किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। Thanks for watching. Allah Hafiz.